नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ पूजा। बात करते हैं चंपावत जिले की। चंपावत जिले के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सोमवार को विकासखंड चंपावत के ग्राम पंचायत गढ़कोट के प्राथमिक विद्यालय डाबरी में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, साथ ही उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर रात्रि में भोजन भी किया। सरकार जनता द्वार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी ने पहल करते हुए रात्रि चौपाल लगाई। इसी दौरान करीब 3 घंटे चली चौपाल में जिलाधिकारी ने प्रत्येक ग्रामीण की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने गांव में जंगली जानवरों के तार बाड़, गौशाला, पेयजल, सुरक्षा दीवार, प्रधानमंत्री आवास, आर्थिक सहायता, अंत्योदय कार्ड, सड़क, शौचालय बनाने व कई निर्माण कार्यों के भुगतान कराने की मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को निस्तारित करने के लिए अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा। इस चौपाल के अंतर्गत जिलाधिकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण जनता रही मौजूद। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। क्योंकि अगर आप कहीं पुलिस स्टेशन जाएंगे या ऑफिस आएंगे तो लोगों को पता चलता है कि ये गए थे या उन्होंने बोला होगा। फोन ऐसी चीजें आप सिंपली बताइए, जैसे कि यहाँ ये वाला गाड़ी वाला लेके आता है, ठीक है। आप मेरा नंबर भी ले लीजिएगा प्रधान जी से या किसी से भी। अभी आप नोट करना चाहते तो मेरा नंबर नोट कर सकते। चीजें एकदम से नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी चीजें। चौपाल का अर्थ ही ये है कि जो ऐसी चीजें हैं जिनसे सारे डिपार्टमेंट जो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। गढ़कोट में क्या क्या समस्याएं आई हैं, किनका निस्तारण हुआ है थोड़ा? इसमें आज गढ़कोट में हमने रात्रि चौपाल लगाई और इसमें 35 से ऊपर जो समस्याएं आई, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई थी, वो बहुत अच्छा फैक्टर था है। और बहुत सारे गांव वाले थे। मेन जो समस्या है, जो गाय पालन से बहुत लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, तो गौशाला प्रमुख तौर पे एक समस्या है। जो गौशाला बहुत लोगों के पास कम है, 15 से 20 जो लोग हैं उनके पास मकान नहीं है रहने को और कहीं और वो रह रहे हैं। कुछ किसी का सूची में नाम है, वेटिंग लिस्ट में नाम है, और किसी का वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके संबंध में भी चर्चा। अधिकतर हमने ये निर्देश दिए कि नरेगा के जो काम है 10 से 15 दिन में सैंक्शन हो जाए। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।